हेलो एवरीवन, कैसे हो प्यारे बच्चों? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आप सबको मेरे बारे में इंट्रो दे देता हूँ कि आपको जो लीड कर रहा है वो कौन है, आपको जो आज सेशन ले रहा है उसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो मेरा थोड़ा छोटा सा इंट्रो देता हूँ आप सबको। माई नेम इज़ विक्रम सिंह। मैं लास्ट 7 ईयर से कोचिंग इंडस्ट्री में हूँ और आप ही की तरह ढेर सारे स्टूडेंट्स को मैंने उनकी ड्रीम जॉब तक उनको पहुँचा है। टॉप, अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अगर आप जाते हैं तो मेरे स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो मेरे स्टडी कर रहे हैं उनके साथ 1-to-1 मैं आपका सेशन भी कराऊंगा। उसमें से एक रविंदर सिंह भी हैं। रविंदर सिंह मेरे काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स भी रहे, तो अभी उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया। उन्होंने बोला कि सर काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनको जीके के रिगार्डिंग कुछ दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है कि जीके को कैसे अटेंड करना चाहिए, जीके को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, लास्ट 3 मंथ्स में क्या उनकी अप्रोच होनी। नियर बाई काफ़ी सारे एग्जाम जैसे आपके आने वाले, आरआरबी पीओ है, आरआरबी क्लर्क है, उसके बाद एसबीआई क्लर्क भी आने वाला है आपका, उसके साथ में आईवीएस पीओ भी है, आईवीएस क्लर्क भी है। तो उन सब के एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है आप सबको, जीके के रिगार्डिंग मैं आपसे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे बैंकिंग जीके भी मैं आपका कवर करूंगा एंड मैं आपका करंट अफेयर्स भी कवर करना स्टार्ट करूंगा। जितना हो सके मैं अपना वैल्यूबल टाइम मैं आपको दूंगा। उस वैल्यूबल टाइम के अंदर मैं ऐसी चीज़ें आपसे साथ डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए गेम चेंजर का रोल प्ले करने वाली है। तो सेशन आप लास्ट तक जरूर देखिए, जहाँ पे आपके काफ़ी सारी चीज़ों में डिस्कस करते हुए लेके चलना स्टार्ट करूंगा। सबसे फर्स्ट, सेशन स्टार्ट करने से पहले क्या कुछ आज की कहानी है हमारे सेशन के अंदर। ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं रहने वाला है आपका सेशन। सेशन में फर्स्ट वन पार्ट करेंगे अपन जीके को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कि जीके अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए, एक एग्जाम को अगर मैं लेके चल रहा हूँ तो एग्जाम के अकॉर्डिंग मुझे जीके पढ़ना चाहिए, ना कि मुझे यहाँ पे पीएचडी करनी चाहिए। सबसे फर्स्ट, काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि हमारा जो एग्जाम है बैंकिंग का, उस बैंकिंग एग्जाम में जीके को कैसे प्रिपरेशन करता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, बैंक एग्जाम प्रिपरेशन लग रहा है, कोई एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लेके चलना है। तो उस भी अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे लेके चलना। लेकिन आज भी मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, आपको कुछ प्लानिंग दूंगा कि इन चीज़ों को तुम अगर लेके जाते हो तो डेफिनेटली तुम अपनी ड्रीम जो जॉब है उसको क्रैक कर पाओगे, जीके तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया जो पास्ट के एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन फिक्स है, आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर्मेट में 2 मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, उनको अपन कवर करते हुए लेके चलना स्टार्ट करेंगे। एंड थर्ड पार्ट में मैं जीके टॉनिक्स डे टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा जो पास्ट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं वो अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है जीके टॉनिक्स में रिपीट होता है। उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आप बैंकिंग एग्जाम की फाइट करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। गवर्नमेंट ऑफ या काफ़ी सारे अनाउंसमेंट कर चुके हैं बजट सेशन के अंदर भी कि इस साल भी काफ़ी सारे वैकेंसीज आने वाली हैं। काफ़ी सारे वैकेंसी के एग्ज़ाम एडमिट कार्ड भी आउट हो चुके हैं, जिसमें से आपका प्री मेड जो एग्ज़ाम अभी जो है वो आईबीपीएस पीओ है, आईबीपीएस आपके आरआरबी क्लर्क है, एसबीआई क्लर्क की भी वैकेंसीज आने वाली हैं, आईबीपीएस पीओ है, आईबीपीएस क्लर्क है, ये सारे एग्जाम्स वगैरह हैं। इंश्योरेंस सेक्टर है, सिड भी है, आरबी ग्रेड भी, आरबी असिस्टेंट। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट जो रविंद्र सर मुझे बता रहे थे कि सर स्टूडेंट अभी रिसेंटली इस पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करते हुए लेके चल रहे हैं कि आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क की सर जीके की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा उन पॉइंट्स को अगर तुम इंप्लीमेंट करते हुए लेके चलते हो डेफिनेटली आपका जीके के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर आएगा। ये सारी चीज़ें मैं अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो प्लीज़ बच्चा इन चीज़ों को अच्छे से यूज़ करना, इन चीज़ों को अच्छे से इंप्लीमेंट करते हुए लेके चलना स्टार्ट करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट सेशन के अंदर, हाउ टू इम्प्रूव जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज की मैं बात करूँ तो वहाँ पे जीके सेक्शन है, और करंट अफेयर्स मतलब कि जो आपके रिसेंटली 6 to 7 8 मंथ्स का जीके आते हैं उनको अपन कवर करते हुए लेके चलना स्टार्ट। तो सबसे फर्स्ट, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपने जीके की कहानी को, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे आप सबको तो पता है कि करना क्या, लेकिन वो सब चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं होता। मुझे नहीं लगता कोई भी अगर बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई भी अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उसको पता है कि उसको पढ़ना क्या, लेकिन वो पढ़े कैसे वो उसको नहीं पता है कि कहाँ से सोर्स से कौन सी चीज़ हमें उठानी चाहिए और कौन सी नहीं उठानी चाहिए, हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए उस पर्टिकुलर सेशन के लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लास्ट के जब कंपेंडियम कुछ काफ़ी सारे वेबसाइट्स वगैरह रहती है वहाँ पे अपना मंथली कुछ कंपेंडियम निकालते हैं, ईयरली कुछ कंपेंडियम निकालते हैं, उनको तुम पढ़ के चले जाते हो, वहाँ से तुम क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं मिलते हैं। अब पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, एग्जाम के अंदर भी जो चीज़ें जो आती है कई बार डेप्थ में आती है और इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो पार्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे अकॉर्डिंग, जितना मैंने पेपर का एनालिसिस किया है पास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जो मुझे चीज़ें लगती है वो मैं आपको बताने स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट हमें रहता है कि रीड न्यूज़पेपर। अगर आप न्यूज़पेपर अच्छे से रीड करते हुए लेके चलते हो, मुझे लगता है कि तुम्हें कभी भी जीके कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सेकेंड पार्ट, अगर आप न्यूज़पेपर रीड कर नहीं चल रहे हो तो मैं बोलता हूँ किसी भी दो ऑथेंटिक वेबसाइट्स को आप पकड़ लीजिए जहाँ पे आपके डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के पॉइंट्स वगैरह अपडेट होते हैं, वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। एंड लास्ट जो है वो जीके कुछ ऐप्स पकड़ लीजिए जहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे डेली बेसिस पे आपको एमसीक्यूज फॉर्म में क्यूज मिलना स्टार्ट करें। अब
फर्स्ट पार्ट याद है कि सर न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे, क्या कुछ चीज़ें पढ़नी, कौन सी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं मेरे पास, मुझे बोलते हैं कि सर मैं बैंक के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो क्या मुझे द हिंदू फॉलो करना चाहिए, क्या मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया फॉलो करना चाहिए। तो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप किसी भी न्यूज़पेपर फॉलो करना स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं है कि मेरा वर्बल अच्छा पार्ट नहीं तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट करूँ, तो आप द हिंदू नहीं पढ़ के, तो मैं बोलता हूँ कि आप दैनिक भास्कर पढ़ना स्टार्ट करें, जागरण जो पढ़ना स्टार्ट कीजिए। किसी भी न्यूज़पेपर को एक उठा दो जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से ऑथेंटिक मिले, उन चीज़ों को आप लेके चलना स्टार्ट करो, तो भी आपका जीके काफ़ी अच्छा हो सकता है। अगर आप SBI एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे वो लगता है कि मेरा वर्बल वाला पार्ट अच्छा नहीं, तो बोल दूँ कि आप न्यूज़पेपर जो है इंडियन एक्सप्रेस से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वर्बल वाला पार्ट काफ़ी अच्छा, तो बोल द हिंदू तुम स्टार्ट कर सकते हो। वेबसाइट्स की अगर मैं बात करना चाहूँ तो कोई भी दो ऑथेंटिक, मैं ही नहीं बोलता कि जागरण जोश को तुम फॉलो करना स्टार्ट करो, मैं ही नहीं बोलता तुम्हें जीके टूडे को फॉलो करना स्टार्ट, जो आपको अच्छी लगे वेबसाइट जहाँ पर अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है उन चीज़ों को तुम लेके चल सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सारी चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट, ऐसा नहीं, मैंने आज जागरण जोश को मैं बताना स्टार्ट कर दिया, तुम जागरण जोश को फॉलो कर रहे हो या जीके टूडे को फॉलो करो, जो तुम वेबसाइट को फॉलो कर रहे हो उसी को लेकर चलना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि जागरण जोश पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बता रहे थे, आपको जीके टूडे पे राहुल गांधी बता, ऐसा पॉसिबल नहीं, सब जीके सब कुछ सेम मिल रहा है, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो। तो प्लीज़ एक तो ऐसे कोई ऐप पकड़ लीजिए जिसमें करंट अफेयर्स है, क्लाउड अफेयर, जो भी आप बैंकर्स रहे, जिसको भी आप फॉलो करना स्टार्ट, लेकिन एक ही सोर्स को आप लेके चलना स्टार्ट, उसको बार बार रिविजन के मोड में लेके चलना स्टार्ट करो, और फिर किसी के एक वेबसाइट के आप क्विज की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ये आपके लिए जीके के लिए रहा। न्यूज़पेपर मैंने आपको बोल दिया कि आप द हिंदू फॉलो करो, जो भी आप फॉलो कर सकते हो उनको लेके चलना आपको। लेकिन इसमें भी स्टूडेंट्स को दिक्कत आता है कि न्यूज़पेपर बहुत बड़ा होता है सर, 25-22 पेज के आसपास, लेकिन हमें उसमें पढ़ना क्या रहता है। तो सबसे फर्स्ट मैं पार्ट ये बोलूंगा कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें फ्रंट पेज आपको लेके चलना चाहिए, फ्रंट पेज की सारी इन्फॉर्मेशन आपको कवर कर लेनी चाहिए। एडिटोरियल पेज जो आपका 6-7 के आसपास रहता है, उस एडिटोरियल पेज का आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप RRB की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बच्चा प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सबको कि RRB के अंदर भी आपका एडिटोरियल पेज आता है हिंदी के अंदर, उस चीज़ को आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। वहाँ से भी आपका काफ़ी कुछ जैसे वर्बल में आपका एडिटोरियल पेज में काफ़ी चीज़ें कवर होती है, तो वहाँ पर आपका ग्रामर के बेसिस पे भी वो चीज़ें आपकी कवर हो जानी स्टार्ट होती है। तो आप किसी भी हिंदी न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे एडिटोरियल पेज आता है, उनको भी तुम्हें लेके चलना है आपके। उसके बाद बिजनेस रिलेटेड जो भी आपकी न्यूज़ आती है, जो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग, जैसे अभी श्रीलंका क्राइसिस चल रही है तो वहाँ पे कौन प्रेसिडेंट बन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या कुछ ये हैं, इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शन किस फॉर्मेट में हो रहा है, क्या कुछ है, वो भी आपको वहाँ से क्वेश्चन मिले, कौन से स्टेट की गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू, ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो एग्जाम में फिक्स बनने वाले हैं। एंड लास्ट जो पार्ट है वो इंटरनेशनल पेज आपको लेके चलना है, उसमें ज़्यादा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पार्ट पढ़ने की नीड नहीं है, और ये एक्टिविटी आप अच्छे से लेके चलते हो, मतलब कि 45 मिनट में तुम्हारी ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। डेली आप 45 मिनट्स अगर न्यूज़पेपर लेके चल रहे हो, इन चीज़ों लेके चलते हो, डेफिनेटली मतलब आपका जीके काफ़ी अच्छा होना स्टार्ट। जीके एज ए डाइट की तरह आपको लेना रहेगा बच्चा, ऐसा नहीं कि एक दिन पहले पढ़ लिया दूसरे दिन मैंने नहीं पढ़ा, चल रहा है रेगुलर बेसिस पर आपको चीज़ों को टच में रहना जरूरी है, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूज़पेपर। अगर न्यूज़पेपर अच्छे से लेके चलो तो बोल दो कि आपके जीके जो भी वेबसाइट तुम लेके चल रहे हो उनमें काफ़ी कुछ चीज़ों में लगे सिमिलर, सब कुछ पेज वहाँ पे अपडेट हो रहे हैं। कौन सी पेज को आपको न्यूज़ को स्किप करना, सबसे फर्स्ट आपको नहीं देखना है कि सिटी न्यूज़ क्या कुछ चल रही है, एंटरटेनमेंट की जो भी न्यूज़ आती है आपको नहीं देखना, आलिया भट्ट क्या कर रहे हैं, रणबीर कपूर क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। ये सब कुछ जब हमारी जॉब लग जाएगी उसके बाद सारी चीज़ों में मिलने वाली, तो इन चीज़ों को तुम स्किप कर सकते हो। कोविड की रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है उन सब चीज़ों स्किप करते हुए लेके चलना है। मेन जो फोकस है इन फोर पार्ट पे आपको लेके चलना है और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। कौन कौन से टॉपिक्स में फोकस करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स हमें लेके चले, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जितना मैंने एनालिसिस किया है, जो मेरा लास्ट 7 ईयर का जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन टॉपिक्स को तुम अच्छे से लेके चलते हो तो पेपर का तुम्हारा 60-70% अच्छे से टॉपिक्स कवर होने स्टार्ट होता है, और किसी भी एग्जाम के अंदर तुम 60-70% का जीके सेक्शन में अच्छे से स्कोर कर रहे हो, डेफिनेटली तुम वहाँ से लीड लेके चल रहे हो। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करता है कि मेरा इतना सारा जीके मैंने पढ़ रखा, तो वहाँ पे मेरे जीके में पूरे से पूरे मार्क्स आने, मेरे 40 में 40 आने चाहिए सर, मेरे 35 में 35 आने चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। एग्जामिनर में जो पेपर सेट करता है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे सेट करता है जहाँ पे किसी स्टूडेंट से वो अटैम्प्ट नहीं होता। आपका टारगेट होना चाहिए पेपर के अंदर मैं अगर 70% भी अगर जीके में अच्छे से अटैम्प्ट करता हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है आराम से, डेफिनेटली। तो ये कुछ रैंडमली टॉपिक्स होते हैं जो पास्ट के पेपर को तुम चेक करते हो तो इन्हीं टॉपिक्स से आसपास कहानी घूम के आती है, और थोड़ा डीप में अगर जाना स्टार्ट करते हो तो इससे बाहर आपको कुछ भी चीज़ें नहीं मिलने वाली है। ये सारे आपके इंडेक्स है, रिपोर्ट है, गवर्नमेंट स्कीम है, इन्वायरमेंट रिगार्डिंग न्यूज है, डिफेंस एक्साइज है, कमेटी कौन कौन से मिली है, अवार्ड्स कौन कौन से मिले हैं, कौन कौन से बैंकिंग मर्जर है, बुक्स एंड ऑथर्स से क्या कुछ है, स्पोर्ट्स कैटेगरी से क्या कुछ है, करंसी कैपिटल से क्या कुछ है, मोदी जी कहाँ विजिट करने जा रहे हैं, क्या कुछ एग्रीमेंट हुआ है, क्या कुछ MOU हो चुका है, ये इन सारी चीज़ों से आसपास से घुमा के रखा कि आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा तुम्हें कुछ भी करना। अगर आपको लगता है ये सेशन काफ़ी अच्छा चीज़ है लेके चल रही है, आपको लगता है कि इन पर्टिकुलर टॉपिक्स आपके सेशन होने चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर अपडेट कीजिए, मैं उन पर्टिकुलर टॉपिक्स जैसे मुझे टाइम मिले उस टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वो सेशन भी लेना स्टार्ट करूंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये टॉपिक इजी टॉपिक होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ऐसे टॉपिक हम कवर करके नहीं, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं पास्ट के जितने भी तुम लास्ट 7 ईयर के
टॉपिक्स नहीं उठाने स्टार्ट करो, बल्कि लास्ट 1 ईयर के भी तुम टॉपिक्स उठाओगे तो वहां से इस पर्टिकुलर टॉपिक्स तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर्मेट में। तो मैं सारी सारे रेगुलेटरी बॉडीज आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको कुछ 7 to 8 रेगुलेटरी बॉडीज पढ़ाऊंगा, उस रेगुलेटरी बॉडीज से किस टाइप के क्वेश्चन उनको तुम अच्छे से कवर कर ले, दूसरे ऑटोमेटिक तुम्हारे क्वेश्चन अच्छे से कवर हो तो लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट छोटे से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपका। मैं सबको मान रहा हूँ कि आपका लेवल 0 लेवल से, मैं 0 का आपको 80-90 पे लेके जाने की ट्राई करूंगा। तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो हमें पता नहीं। सबसे फर्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप सबको पता है कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई। आरबीआई जो स्टार्ट था वो 1 अप्रैल 1935 को स्टार्ट था, लेकिन पास्ट एक अगर तुम पेपर चेक करते हो यहाँ से क्वेश्चन मिलता है कि आरबीआई कौन सी कमेटी के थ्रू बना है, तो आरबीआई आपके रॉयल कमीशन के थ्रू बना है। किसके थ्रू? रॉयल कमीशन के थ्रू बन चुका है। और कई बार क्वेश्चन मिलता है रॉयल कमीशन को हम क्या बोलते हैं, हिल्टन कमीशन बोलते हैं। रॉयल कमीशन को हम क्या बोलते हैं, हिल्टन कमीशन बोलते हैं। तो एग्जाम में इस टाइप भी क्वेश्चन बन जाए कि हिल्टन कमीशन कब आया, तो 1920 के अंदर हिल्टन कमीशन बना था, और इसने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट की थी वो 1926 में रिपोर्ट सबमिट की, एंड 1934 में आरबीआई एक्ट आता है, 35 में आरबीआई स्टार्ट होता है। तो आपको चीजों के बारे में डीप में नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए आप रैंडमली एक टॉपिक को लेकर चलो रट के चलो। वो पहले चीजें होती थी जब आपके 2015-16 के एग्जाम होते थे, अब थोड़ी डीप में चीजें आनी स्टार्ट हो चुकी है। सेकंड पार्ट मिलता है कि आरबी जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, आरबी जो मॉनेटरी पॉलिसी आपके 15 से पहले बनाता है, अब पूछा जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, तो उसमें आपका एमपीसी वाला पार्ट आता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो आरबी जो क्या करता है, बैंकिंग सेक्टर को रिलेट करता है एंड मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है, जैसा मैं बोल रहा अभी एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ 6 मेंबर होते हैं, जिसमें 3 मेंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आते हैं एंड 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आते हैं। तो आप मुझे बताओ कि अभी रिसेंटली 3 मेंबर जो है मॉनेटरी पॉलिसी में जो आरबी से थ्रू अटेंड करते हैं, तो मुझे बताइए चैट बॉक्स में कि ये 3 मेंबर कौन कौन, कोई नाम लिख मुझे बताइए। ओके, सेकंड के हेडक्वार्टर कहाँ पे, महाराष्ट्र मुंबई के अंदर, लेकिन यहाँ से भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, ये सारे सारे पास्ट के पेपर के अकॉर्डिंग, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि आरबीआई जो फर्स्ट हेडक्वार्टर हमारा कहाँ था, तो फर्स्ट हेडक्वार्टर 1934 टू 1937 जो हमारा हेडक्वार्टर था वो महाराष्ट्र मुंबई में नहीं था, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल में नहीं था, हमारा वेस्ट बंगाल के अंदर था। क्योंकि आप सबको पता है कि ब्रिटिश एम्पायर जब एंट्री करना स्टार्ट किया तो वेस्ट बंगाल से स्टार्ट किया था, तो अभी वेस्ट बंगाल के कोलकाता के अंदर था। ठीक है, अभी क्वेश्चन आ रहा है कि आरबीआई के जो प्रेजेंट टाइम के जो गवर्नर है, हेड पर्सन की जब बात की जाता है, आरबीआई जो लीड करते हैं उसको अपन गवर्नर बोलते हैं। अभी जो गवर्नर है वो कौन से नंबर के, 25th नंबर के। ये नंबर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चा, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा था कि कौन से नंबर के गवर्नर, तो 25th नंबर के हैं। और रघुराम राजन अंकल जो थे हमारे वो 23rd नंबर के थे, एंड इससे पहले जिन्होंने रिप्लेस किया है शक्तिकांत दास अंकल को, शक्तिकांत दास अंकल जिसको रिप्लेस किया वो थे हमारे, आप सबको पता होना चाहिए, उर्जित आर पटेल। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू उर्जित आर पटेल को कुछ अलग से पोस्ट अभी अपॉइंटमेंट हुई, तो मुझे पता है उनको कौन सी पोस्ट मिली है और कहाँ पे है। ओके, तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम क्वेश्चन में। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सबसे फर्स्ट 15-16 के पेपर का तुम चेक करोगे, वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है कि सेबी की फुल फॉर्म क्या है। अब सेबी की फुल फॉर्म में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है कि ई का मीनिंग क्या है, वहाँ पे ई का मतलब आपको एक्सचेंज मिल रहा है, ई का मतलब आपको हो सकता है इक्विटी मिल रहा है, तो आपको वहाँ पे चेक करना है कि ई का मीनिंग क्या था। लेकिन इस टाइप क्वेश्चन हमने बंद हो चुके हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन मिलता है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कौन सी में स्टार्ट हो, आप सबको पता होना चाहिए। इंडिया का जो कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट जो रेगुलेट करता है वो कौन करता है, आपका सेबी करता है, एंड मनी मार्केट को जो रेगुलेट करता है वो कौन करता है, हमारा आरबीआई करता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सेबी जो है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ऑफ इंडिया जो 1992 के अंदर स्टार्ट होता है हमारा, लेकिन ये स्टार्ट 1988 में स्टार्ट, लेकिन फुली इंप्लीमेंट जो होता है हमारा 1992 के अंदर होता है। और स्टॉक एक्सचेंज मार्केट रेगुलेट करता है, कैपिटल मार्केट रेगुलेट करता है, और मनी मार्केट को आपको जैसे मैंने बोला कि आरबीआई रेगुलेट करता है। अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन मिलता है कि इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो हमारा बीएससी स्टॉक एक्सचेंज है जो 1975 के अंदर बना, कब बना था, 1975 के अंदर, सॉरी 1875 के अंदर, 1875 के अंदर हमारा जो बना था हमारा बीएससी। तो आप मुझे बताइए एनएससी कब बना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे बना, और इनका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे, महाराष्ट्र मुंबई के अंदर। और अभी फर्स्ट बनी है आपकी हेड माधवीपुरी जो है, अभी हेड पर्सन इसके, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, जिन्होंने अजय त्यागी जी को रिप्लेस किया। अब कई बार बच्चा आप देखते हो कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, इस टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया, तो आपको ये भी चेक करना है कि प्रेजेंट टाइम में कौन है और इन्होंने किसको रिप्लेस किया, तो इन्होंने अजय त्यागी जी को रिप्लेस किया था। नेक्स्ट आता है सिडबी, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिडबी, और एक आता है आपका इडा। इन दो चीजों को अच्छे से हेडक्वार्टर तुम चेक कर लेना। सबसे फर्स्ट इस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनता है बच्चा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या तो महाराष्ट्र मुंबई टिक करके आते हैं, या फिर वो दिल्ली को टिक करके आते हैं, या फिर लास्ट हो पता है तो वो जाते हैं आपके बैंगलोर के अंदर, लेकिन लखनऊ को कोई नहीं जाता है। तो प्लीज इसका जो हेडक्वार्टर से कई बार क्वेश्चन बना एग्जाम के अंदर, रिपीट होता है क्वेश्चन कि सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे, लखनऊ के अंदर हेडक्वार्टर है। एस रमन अंकल अभी नए इसके हेड पर्सन बने, 1919 स्टार्ट होता है। किस सेक्टर को रेगुलेट करता है,
एमएसएमई सेक्टर को रेगुलेट करता है। देखो बच्चा, मैं सारे क्वेश्चन आपसे कवर करता हूँ, लेकिन चल रहा हूँ कि किस सेक्टर को रेगुलेट करता है, कौन सी बॉडी है, कौन सी स्टार्ट हुई। तो एमएसएमई सेक्टर को रेगुलेट करता है, और आप सबको पता होना चाहिए पीआई के यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्सनल इंटरव्यू में काफी सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपके जो रविंदर सर है उनसे ही इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था पीआई के अंदर। पीआई के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो स्कीम जो स्टार्ट कर रखी है, आप जैसे पता हुए मुद्रा स्कीम है ना, ये मुद्रा स्कीम जो है वो कौन कौन से सेक्टर के थ्रू रेगुलेट की जाती है, और इसके अंदर ये मेन जो बॉडी इसको रेगुलेट करने वाली बॉडी कौन सी, तो आपकी सिडबी है। सिडबी जो है इसको रेगुलेट करती है मुद्रा स्कीम को, जिसमें बोलते हैं एमएसएमई सेक्टर। और ये एमएसएमई सेक्टर के अंदर मुद्रा स्कीम, जिसके अंदर थ्री कैटेगरी डिवाइड कर रखी है, और एग्जाम के अंदर ढेर सारे, लास्ट अगर मैं बात करना चाहूँ 16 के बाद तुम अगर क्वेश्चन करोगे, 16 से लेके 22 तक के एग्जाम तुम चेक करोगे, वहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पर्टिकुलर टॉपिक क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन किया था कि ये जो मुद्रा स्कीम है इसमें कितने टाइप की कैटेगरी। सबसे फर्स्ट ये क्वेश्चन था, थ्री टाइप की कैटेगरी, जिसमें आपका शिशु है, किशोर है, तरुण है। अब यहाँ से क्वेश्चन मिलता है कि शिशु में लोन की लिमिट क्या है, तो लोन की लिमिट यहाँ पे 50,000 है, किशोर के अंदर 52 आपके 5 लाख रुपीज है, तरुण के अंदर आपके 5 लाख टू 10 लाख रुपीज है। आप सबको पता होगा इसमें स्कीम के बारे में ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बताऊँ कि मुद्रा स्कीम थी क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था, इसके अंदर बोला गया था कि हम जो इतने भी जो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है उन अनएम्प्लॉयमेंट को हम स्किल प्रोवाइड करेंगे, स्किल प्रोवाइड करके वो अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी जी ने सबको स्किल तो प्रोवाइड करा दी स्कीम के थ्रू, लेकिन वो अपना जब बिजनेस स्टार्ट करे तो उनको पैसे की फंडिंग की नीड आ रही थी, उनको पैसा नहीं मिला था। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला कि उनको पैसे देने के लिए एक मुद्रा स्कीम लॉन्च की गई, जिसके अंदर जो लोन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत कम है, और ये लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एक सर्टेन टाइम के बाद उनको रिटर्न करनी होती है। और इसको रेगुलेट करने वाली जो बॉडी हमारी कौन सी है, हमारी बॉडी है जिसका नाम है सिडबी। एग्जाम में कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है पास्ट ईयर, और इसकी फुल फॉर्म से आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा, तो प्लीज इनको अच्छे से चेक कर लिया। आप मुझे चैट बॉक्स में अपडेट कीजिए कि एमएसएमई मिनिस्ट्री कौन है हमारे। अभी आप सबको पता हो कैबिनेट मिनिस्टर्स भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि उनका कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया कौन सा, तो आप मुझे बताइए एमएसएमई जो मिनिस्ट्री हो किसके पास में है। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है नाबार्ड। नाबार्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम के अंदर। अगर आप आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बच्चा प्लीज मैं बोलता हूँ कि नाबार्ड को अच्छे से जाना, चेक करना, क्योंकि अगर यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया तो डेफिनेटली अगर आप पीआई वाले पार्ट में जाते हो, ऑफिस स्किल फर्स्ट वाले पार्ट में जाते हो, पर्सनल इंटरव्यू में उस पर्टिकुलर टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि आरआईडीएफ फंड क्या होता है, तो कोई मुझे बताएगा आरआईडीएफ फंड की जो फुल फॉर्म क्या है, आरआईडीएफ की फुल फॉर्म क्या है। सबसे फर्स्ट नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट, सबसे फर्स्ट इसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद करना, यहीं से क्वेश्चन मिलता है। सेकंड क्वेश्चन मिलता है कि कौन सी ईयर में स्टार्ट होता है, ये 12 जुलाई 1982, और आप सबको पता होना चाहिए 12 जुलाई को हमें एक डे भी सेलिब्रेट किया जिसका नाम है मलाला डे, और मलाला डे 2014 के अंदर इनको नोबल प्राइज मिला था, वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट मेंबर थी जिनको ये अवार्ड मिला था। 1982 को ये स्टार्ट होता है नाबार्ड। एग्रीकल्चर सेक्टर को रेगुलेट करता है, सबसे फर्स्ट जितना भी जो इनका वर्क होता है वो रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए वर्क होता है। हेडक्वार्टर महाराष्ट्र मुंबई के अंदर, गोविंद रजोले जो अभी प्रेजेंट टाइम के नए चेयरमैन बने, हर्ष कुमार बनवाली जी को इन्होंने रिप्लेस किया, हर्ष कुमार बनवाली जी को रिप्लेस किया, गोविंद रजोला अभी नए हमारे हेड बने हैं। तो मुझे चैट बॉक्स में आप जरूर बताना आरआईडीएफ फंड जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है बेटा। नेक्स्ट हमारा आता है आईआरडीएआई। यहाँ से आपको कुछ भी याद नहीं करना, इसका बस बेटा हेडक्वार्टर याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, हमारा हैदराबाद के अंदर है। जितने भी जो इंडिया के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर है उन सबको रेगुलेट करने वाली जो बॉडी हमारी कौन सी है, आपके आईआरडीए रेगुलेट करती है, लाइक आपका LIC है, NICL है, इंश्योरेंस सेक्टर जो भी कहानी आएगी वो सारे सारे रिलेट करने वाली बॉडी कौन सी है हमारे हैदराबाद। एक आप सबको पता होगा कि एक होता है हमारा डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इसको रेगुलेट कौन करता है, कोई बताएगा मुझे, आप चैट बॉक्स में मुझे बताइए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन में जो भी आपसे डिस्कस करूँ, पास्ट के एग्जाम वाले क्वेश्चन में, पीआई वाले क्वेश्चन में आपसे डिस्कस करूँ, तो आप मुझे चैट बॉक्स में जरूर आंसर बताइए कि डीआईजीसी की फुल फॉर्म क्या है और डीआईजीसी को रेगुलेट कौन करती है। ठीक है, ये भी एक इंश्योरेंस है। इस इंश्योरेंस में लिमिट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बजट के अंदर अनाउंसमेंट की थी कि इसमें इंश्योरेंस लिमिट 1 लाख रुपए से इंक्रीज करके आपके 5 लाख रुपीज कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा डिटेल में अच्छे से डिस्कस करके बताऊंगा, 5 लाख रुपीज कर रखी है, लेकिन आप मुझे बताइए इसको रेगुलेट कौन करता है और इसकी फुल फॉर्म क्या है। अभी यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं देखना है, बस ये भी पार्ट आपको देखना है, यहाँ पे बस एक ही चीज़ आपको देने की आईआरडी का हेडक्वार्टर कहाँ पे, हमारा हैदराबाद के अंदर। और हैदराबाद कौन से स्टेट की कैपिटल है बेटा, प्लीज इसको भी चेक करना, हैदराबाद की जो कैपिटल, हैदराबाद जो कैपिटल कौन से स्टेट की है, वो अब तेलंगाना की ना कि आंध्र प्रदेश की है, जहाँ से हमारी पीवी सिंधु भी आती है एंड सानिया मिर्जा भी आती है। नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन आता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, और इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आता है कि एनएचबी में बी का मीनिंग क्या है। बेटा मैक्सिमम स्टूडेंट कई बार कन्फ्यूज, बैंक का आता है एक होता है बोर्ड, और मैक्सिमम स्टूडेंट बैंक और बोर्ड में कन्फ्यूज होता है, तो यहाँ से कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा कि एनएचबी की जो फुल फॉर्म है उस फुल फॉर्म के अंदर बी का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे बैंक नहीं, बैंक का राइट आंसर बोर्ड नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट वहाँ पे बोर्ड भी मिलता है और बैंक तो बोर्ड को टिक करके आते हैं, कई बार हम ज्यादा चीजें अच्छे से पढ़ लेते हैं, कई बार हम कंफ्यूज ज्यादा होता है, तो यहाँ पे बैंक से कुछ नहीं आपको मिलता है। सेकंड पार्ट यहाँ से आता है कि किस सेक्टर रेगुलेट करता है, तो इंडिया में फाइनेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है। आप सबको पता होगा हाउसिंग फॉर ऑल, जिसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2022 का टारगेट था, मुझे पता है इसको एक्सटेंड किया गया, कौन सी ईयर तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है,
बिलो पॉवर्टी लाइन से जितने भी नीचे हैं उन सबको हाउसिंग प्रोवाइड किया जाता है अर्बन एंड रूरल एरिया के अंदर। वो सब कौन करता है? आपके एनएचपी के थ्रू। और न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है ट्राई। ट्राई से जितने भी जो एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं वो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ से बस आपको कुछ नहीं, आपको क्वेश्चन ये पूछा था कि इसके जो हेड पर्सन है वो कौन है। एग्जाम में जितनी बार भी यहाँ से क्वेश्चन बना वो हेड पर्सन राम से जो शर्मा अंकल है वो इसके हेड है, न्यू दिल्ली के अंदर हेड है, आपके हेड ऑफिस है। उसके बाद में सेक्टर कौन से, टेलीकॉम सेक्टर के जो भी इंश्योरेंस उन सबको रेगुलेट करने वाली जो बॉडी हमारा कौन सी, आपके ट्राई है। लास्ट हमारा सेकंड लास्ट जो आता है FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट परमिशन बोर्ड। सबसे फर्स्ट इसकी फुल फॉर्म आती है, एक होता है फेरा एक होता है फेमा। तो मुझे बताओ फेरा और फेमा में क्या कुछ डिफरेंस है, फेरा एंड फेमा में क्या डिफरेंस है, और कौन सी ईयर में फेरा था और कौन सी ईयर में फेमा था। फॉरेन के जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं जो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर 1000 करोड़ से जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उनको फास्ट अप्रूवल देने के लिए इस टाइप का आपके FIPA बना रखा है, जिसको हेड जो करते हैं वो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू प्राइम मिनिस्टर के थ्रू बॉडी रहती है, लेकिन इसको जो डिपार्टमेंट जो दे रखा है वो हमारा सेक्रेटरी डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स के थ्रू जो चेयरमैन था उसको लीड करते हैं। जो भी FDI के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको फास्ट प्रोसेसिंग के थ्रू यहाँ पे चीज़ों को रेगुलेट करते हैं आपके FIPB। नेक्स्ट हमारा फीसी, यहाँ से भी जो क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम टाइम सबसे फर्स्ट हेड क्वार्टर से बनता है एंड सेकंड क्वेश्चन बनता है इसके हेड पर्सन कौन, रीटा दीदी जो हमारी हेड पर्सन न्यू दिल्ली के अंदर हेड क्वार्टर 2011 में स्टार्ट होता है। मैगी के अकॉर्डिंग जब बैन हुई उस टाइम काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर टाइप से क्वेश्चन बने, तो आप मुझे बताया कि इंडिया के फूड एंड सेफ्टी मिनिस्टर कौन है, फूड एंड सेफ्टी मिनिस्टर कौन है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि आप सबको पता होना चाहिए कि रामविलास पासवान के ही भाई है, रामविलास पासवान के ही भाई जो बिहार से, तो मुझे बताइए इसके मिनिस्टर कौन है। ओके वापस एक बार जितना भी हमने पढ़ा उसका मैं आपको रिविजन करा देता हूँ, क्या कुछ जानी कहानी है। RBI जो रिलेट करता है MPC बैंकिंग सेक्टर को, सेबी जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो कैपिटल मार्केट हो, IRDAI हमारे इंश्योरेंस सेक्टर को रिलेट करता है, एंड देन हमारा PFDRDA जो पेंशन फंड को है, NABARD जो है रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है, SIDBI जो है स्मॉल इंडस्ट्री के लिए MSME सेक्टर के लिए वर्क करता है, नेशनल हाउसिंग बैंक फाइनेंस सेक्टर के लिए वर्क करता है, ट्राई जो है आपके टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए वर्क करता है, CBFC जो है यहाँ से भी हेड से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये फिल्म इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग जो भी किया जाता है वो आपका इसका हेड क्वार्टर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और मुझे बताया इसके हेड पर्सन कौन हुआ, और FADC जो फाइनेंशियल आपके सेक्टर डेवलपमेंट के लिए वर्क किया जाता है। ये कुछ टॉपिक्स थे जहाँ से पास्ट एग्जाम में फिक्स है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से तुम्हें 101% क्वेश्चन मिला। जो भी मैंने आपसे अभी जो टॉपिक डिस्कस किया इन 10 पॉइंट्स को तुम अच्छे से याद कर लो, डेफिनेटली तुम्हारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन लाइकली इंडायरेक्टली फॉर्मेट से यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। ओके आज का लास्ट GK 20 डे जहाँ से पास्ट के एग्जाम में जो क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं आने के चांसेस भी रहते हैं, RRB के अकॉर्डिंग मैं ये GK 20 बता रहा हूँ कि यहाँ पे किस टाइप क्वेश्चन मिला है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये मिलता है कि हर कंट्री का पार्लियामेंट अलग, जैसे इंडिया का संसद जिसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट, मतलब कि इंडिया का संसद जो बना हुआ था, इंडिया के प्रेसिडेंट लोकसभा एंड राज्यसभा। आपके एग्जाम इतना डीप में नहीं जाता, बस ये पूछा था कि पार्लियामेंट का नाम जैसे इंडिया का संसद है उसी तरह नेपाल का क्या है, आपके नेशनल पंचायत है, जापान है। स्टार टिक मार्क करके नोट डाउन कर लें, इसको अच्छे से याद भी कर लें कि जापान की जो पार्लियामेंट उसका नाम क्या है, राइट है, USA के आपके कांग्रेस है, एंड रशिया, इसको भी अच्छे से याद कर लें क्योंकि रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रही है, आप सबको पता अभी भी तो वहाँ से रशिया का व्यापार क्या है धुआं। ये एग्जाम के पॉइंट्स से इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट्स जो मैंने बताया ये सब कुछ, और ये हमारे छोटे भाई इनको भी हम चेक कर लेते हैं, पाकिस्तान का आपका नेशनल असेंबली है, तो इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है। छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको लेके चलना स्टार्ट करूंगा, और भी आपको कुछ भी इसके रिगार्डिंग कुछ भी अगर लगता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर सेशन होना चाहिए तो आप मुझे जरूर बताइए, उसमें मैं आपका सेशन लूंगा। एंड लास्ट सेशन खत्म करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखता हूँ कि आज आपका फर्स्ट सेशन था तो कितना कुछ आपको नॉलेज है या नहीं है। प्लीज़ बेटा जेन्युइन आंसर देना, कोई भी नेट पे चेक करके आंसर नहीं देगा। मुझे बताइए कि 1 रुपीज करेंसी नोट पे सिग्नेचर किसके होते हैं, और साथ मुझे ये बताइए कि RBI के गवर्नर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किसके पास में, कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया, फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे कौन है, और प्रेसिडेंट जो भी बने हैं वो कौन से स्टेट से हैं, और इससे पहले वो कौन से स्टेट के गवर्नर थे। ये 4 चीज़ें मुझे, सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपका चाहिए मुझे, तो प्लीज़ चैट बॉक्स में आप जरूर अपडेट करना, और प्लीज़ आप मुझे जरूर फीडबैक दीजिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा है। अगर आप लगता है कि ये सेशन इसी फॉर्मेट में आपका कंटिन्यू होना चाहिए तो मैं आपके लिए सेशन लूँगा, और जो भी आप टॉपिक्स मुझे बोलेंगे उस टॉपिक्स पर मैं आपको लेकर चलना स्टार्ट करूँगा, और मैं ट्राई करूँगा कि आपके लिए स्टेट GK का अलग से वीडियो बनाऊँ, और मैं ट्राई करूँगा बैंकिंग GK के मैं आपके अलग से वीडियो बनाऊँ, एंड करंट अफेयर्स का भी मैं ट्राई करूँगा आपके लिए अलग से। लेकिन आप मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि यह सेशन आपके लिए मैं कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ, जो भी आपका वैल्यूबल जो फीडबैक है उसको मैं चेक करूँगा। अगर लगता है कि चीज़ें आप मुझे इंप्रूव करना चाहिए, आपको लगता है कि इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पर लेकर चलना चाहिए, जो भी आपको लगता है कि स्पीड फास्ट है तो वो भी मुझे बताएं, क्योंकि जो 15 मिनट्स मुझे चीज़ें कवर करनी होती है हो सकता है तो मैं स्पीड थोड़ी फास्ट लेके चल रहा हूँ, लेकिन आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ स्टडी करते रहिए, ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहिए, और जब तक फाइट कीजिए जब तक आपको एग्जाम में सिलेक्शन नहीं मिलता है। ओके बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके बाय बाय।